हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं चॉकलेट पैनकेक बनाना। चॉकलेट पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया एक बड़ा बोल और उस पर मैंने एक छलनी रखी है और छलनी में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मैदा। तो एक कप के करीब मैदा डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ यहाँ पर मैं आधा कप के करीब पाउडर शुगर। तो मैंने यहाँ पर चीनी को ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया है और ये आधा कप के करीब है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चौथाई कप के करीब मिल्क पाउडर, जिससे कि पैनकेक में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। और साथ में डाल लेंगे एक चौथाई कप ही कोको पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, तो एक चम्मच के करीब मैंने ये लिया है। और एक चौथाई चम्मच इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा, तो एक चौथाई चम्मच ये डाल रही हूँ मैं। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये बहुत ही बढ़िया सा बैटर बन के तैयार होता है अगर हम इस तरीके से इसे छान कर लेते हैं तो। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे छान कर तैयार कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा इसमें रह गया मैं इसे हटा देती हूँ, तो ये हटा देंगे और सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसमें हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसे हमें मिला लेना है। और यहां पर मैंने एक कप से थोड़ा कम दूध का यूज किया है, इतना दूध बच गया है तो। और बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, जैसे हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब इसे हमें बस सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर घी लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं मेल्ट करके। और ये एक चौथाई कप के करीब है, तो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने तेल डाल के भी इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। और बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा बन के तैयार हो गया। और गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें ये पैनकेक्स बनाने हैं। और बैटर को हम इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और एक बड़ा सा स्पून लेके हम बैटर को बिल्कुल सेंटर में डालेंगे इस तरीके से। और इसे हमें स्प्रेड नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है और 2 मिनट के लिए। और यहां पर मैं 2 मिनट के लिए ढक रही हूं इसे। और गैस के फ्लेम को लो से थोड़ा सा हाई रखेंगे, ज्यादा नहीं। बैटर को बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं करना है, पैनकेक थोड़े मोटे ही रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा पतला बैटर नहीं तैयार करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हम ये ढक्कन हटा लेते हैं और देखिए इस पे बबल्स आ गए हैं, तो अभी इन्हें हम पलट लेंगे। इस तरीके से इस पे बबल्स आ जाने चाहिए और बहुत ही सावधानी से इसे हम पलटेंगे। और मैं इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ, केवल दो मिनट ही पकाना है हमें। 2 मिनट हो गए हैं तो ये पैनकेक भी हमारा दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सीख गया है। ये देखिए, तो हमें सारे पैनकेक बिल्कुल ऐसे ही बना लेने हैं। और ये काफी फूल गए हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये, तो मैं इसे निकाल कर दूसरा बना लेती हूँ।
फिर से थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, और जो बैटर हमने रखा हुआ है बैटर को एक बार मिला लेंगे हल्के से, और फिर हम बैटर डाल देंगे। और ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा, हमें इसे स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और इसी तरीके से मैं सारे पैनकेक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 पैनकेक बनाकर तैयार कर लिए, और देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ये। और इसी तरीके से मैं बचे हुए सारे तैयार कर लूंगी, और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं चॉकलेट सिरप से। और यहाँ पर मैं इसे चॉकलेट सिरप से इस तरीके से गार्निश कर लेती हूँ, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में और भी यम्मी लगे। यहाँ पर मैंने पैनकेक को अच्छे से गार्निश कर लिया है चॉकलेट सिरप से, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, बहुत ही यम्मी है खाने में। तो इस तरीके से आप चॉकलेट पैनकेक जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।